अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्ट्रेस रूम में सबको खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। तो दोस्तों, सामने पान फूड का डिश जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त मैंने सेट की हुई है वीडियो कान 88 ईस्ट, और इसके साथ एक साइड पर हर्जन 85 ईस्ट मैंने रिसीव की है और दूसरे साइड पर NSS 95 ईस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन तीनों सेटेलाइट की लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सबसे वही पुरानी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जी दोस्तों, ये LNB, ये मोनोब्लॉक LNB है, ये सेंटर में वीडियोकॉन 88 ईस्ट है और दूसरे साइड पर इसके साथ हर्जन 85 ईस्ट रिसीव हो गई है। अगर ये LNB आप लगाओगे वीडियोकॉन 88 पर तो खुद ब खुद इसके साथ 85 ईस्ट रिसीव हो सकता है, और ये दूसरी ये है NSS 95 ईस्ट। तो और इसके साथ इधर साइड पर एयरटेल 108 ईस्ट भी आप बआसानी रिसीव कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको हर्जन 85 ईस्ट की सबसे तेज फ्रिक्वेंसी दिखाता हूँ, जो कि इस वक्त मेरे सैटेलाइट पैंडर में रिसीव हो गई है। ये CTC लव वाली फ्रिक्वेंसी है 11720 हॉरिजॉन्टल 28798। ये हर्जन 85 ईस्ट की सबसे तेज फ्रिक्वेंसी है। तो चलो फ्रेंड, अभी मैं आपको ST2 88 ईस्ट यानी वीडियोकॉन 88 ईस्ट की सबसे तेज फ्रिक्वेंसी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं वीडियोकॉन 88 ईस्ट को सेलेक्ट करके फिर आपको उसकी सबसे तेज़ फ्रिक्वेंसी दिखाता हूँ। ये किधर किया, ये हो गया वीडियोकॉन 88 ईस्ट ST2 88 ईस्ट। तो दोस्तों, इसकी सबसे तेज़ फ्रिक्वेंसी है 11050 हॉरिजॉन्टल 30,000। ये वीडियोकॉन 88 ईस्ट की सबसे तेज़ फ्रिक्वेंसी है। तो दोस्तों, अभी NSS 95 ईस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पर मैं NSS 95 ईस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, फिर बाद में मैं आपको फ्रिक्वेंसी भी दिखाऊंगा और तार भी वहाँ पर मैं लगाऊंगा। ये हो गया NSS 95 ईस्ट किधर गया, ये है NSS 95 ईस्ट, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। बिफोर यू म्यूज़िक वाली फ्रिक्वेंसी है, बाद में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं मोनोब्लॉक LNB से तार निकाल के NSS 95 ईस्ट वाली LNB पे लगा के फिर आपको फ्रिक्वेंसी भी दिखाऊँगा। ये मैंने तार निकाल दिया, अभी मैं NSS 95 ईस्ट के LNB में इसको फिक्स करके आपको फिर दिखाता हूँ। ये तार मैंने लगा दिया दोस्तों। अभी सैटेलाइट पैंडर में मैं आपको इसकी फ्रिक्वेंसी भी दिखाता हूँ। ये देख ले, बिफोर यू म्यूज़िक वाला चैनल मेरे साथ चल रहा है। इसकी फ्रिक्वेंसी है 11510 वर्टिकल 29500। तो चलो दोस्तों, बाकी चैनल लिस्ट मैं आपको TV स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये मैं TV की तरफ आ गया। ST2 88 ईस्ट मेरे साथ लगा है, 11050 हॉरिजॉन्टल 30,000 फ्रिक्वेंसी है, 91% सिग्नल है इसका। मैं आपको इसके कुछ चैनल्स दिखाऊंगा। ये स्टार वर्ल्ड हो गया, जो कि पारेवर सर्वर पर चल रहा है। दोस्तों, ST2 88 ईस्ट पारेवर सर्वर पर इतना जल्दी ओपन नहीं हो जाता, ये पारेवर सर्वर पर बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इसके कुछ चैनल मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। स्टार स्पोर्ट्स 1 HD देख ले दोस्तों। इसके अलावा मैं एक और चैनल भी आपको दिखाता हूँ, ये स्टार स्पोर्ट 1 HD हो गया। सोनी 10 HD भी चल रहा है पारोवर सर्वर पर, स्टार वर्ल्ड भी चल रहा है पारोवर सर्वर पर। ये HD के चैनल है, ये बिल्कुल पारोवर सर्वर पर 88 स्टेबल नहीं है। ये टोटल चैनल मेरे साथ 500 प्लस रिसीव हो गए हैं ST2 88 ईस्ट के। तो अभी दोस्तों, मैं हर्जन 85 ईस्ट के चैनल्स दिखाता हूँ। ये 216 चैनल मेरे साथ रिसीव हो गए हैं, और हर्जन 85 ईस्ट के तकरीबन 80 या 85% चैनल पारेवर सर्वर पर चल रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी ओपन हो जाते हैं। ये देख ले दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में इन तीनों सेटेलाइट का डिश साइज इसी मौसम में 2 फुट है। आप 2 फुट डिश पर हर्जन 85 ईस्ट, वीडियोकॉन 88 ईस्ट और NSS 95 ईस्ट बआसानी रिसीव कर सकते हो। ये जितने भी ग्रीन कलर के चैनल हैं, ये सारे के सारे पारेवर सर्वर पर मेरे साथ इस वक्त चल रहे हैं। तो दोस्तों, गर्मियों के सीज़न में फिर हर्जन 85 ईस्ट को आप 2 फुट डिश पर पूरा नहीं रिसीव कर सकते। इसके लिए फिर आपको डिश साइज 4 फुट होना चाहिए, फिर 4 फुट डिश पर आप हर्जन 85 ईस्ट को पूरा रिसीव कर सकते हो खैबर पख्तूनख्वा में। और पंजाब में इसका डिश साइज 5 से 6 फुट और कई कुछ इलाकों पर 7 फुट पर आप रिसीव कर सकते हो, और कुछ ऐसे इलाके भी है जहाँ पर 7 फुट डिश पर भी आप हर्जन 85 ईस्ट को पूरा रिसीव नहीं कर सकते। ये शॉर्ट TV हो गया हर्जन 85 ईस्ट का, ये ब्रिज TV,
इसके बाद ये प्लेबॉय टीवी है। और दोस्तों वीडियो कन एटेसी ईस्ट की अगर बात की जाए तो इसका डिश साइज पूरे पाकिस्तान में 2 फुट से लेकर 4 फुट तक है। आप 4 फुट डिश पर और 2 फुट डिश पर पूरे पाकिस्तान में बआसानी आप इसको रिसीव कर सकते हो के यू बैंड। और अगर सी बैंड आपने रिसीव करना है वीडियो कन एटेसी ईस्ट तो इसके लिए डिश साइज पर आपके साथ 6 फुट होना चाहिए। 6 फुट डिश पर फिर आप वीडियो कन एटेसी ईस्ट को रिसीव कर सकते हो। सी बैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ये देख ले दोस्तों CTC किड्स आउटडोर SD। तो दोस्तों मैं ज़्यादा चैनल्स आपको प्ले करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलो अभी मैं आपको NSS 95 ईस्ट के कुछ चैनल पर और सर्वर पर चेक करके दिखाता हूँ। ये अभी आखिरी चैनल भी आप देखें 216 नंबर पर जो चैनल रिसीव हो गए है। अभी मैं NSS 95 ईस्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको उसी के चैनल्स दिखाता हूँ और दिखाऊँगा कि कितने चैनल रिसीव हो गए और कितने चलते हैं। ZTV ये तकरीबन टोटल मेरे साथ कितने चैनल रिसीव हो गए ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि टोटल कितने चैनल है। NSS 95 ईस्ट के टोटल मेरे साथ 509 चैनल रिसीव हो गए हैं दोस्तों। तो मैं कुछ ही चैनल आपको NSS 95 ईस्ट के भी प्ले करके दिखाऊंगा क्योंकि NSS 95 ईस्ट के चैनल्स के बारे में तो आप सबको पता है, हर बंदे के साथ लगा है। ग्रीन कलर के जितने भी चैनल हैं ये सारे के सारे पर और सर्वर पर चल रहे हैं। ये कलर हो गया, स्टार स्पोर्ट्स हो गया, ये भी पर और सर्वर पर चल रहा है। इसके अलावा और भी चैनल है, ZTV हो गया, सोनी मैक्स है, स्टार प्लस है, ये सारे के सारे पर और सर्वर पर चल रहे हैं। ये स्टार प्लस हो गया, गोपी अभी तक चल रहा है, पता नहीं ये कब ख़त्म होगी ये ड्रामा। इसके अलावा ये सोनी मिक्स हो गया और भी मैं दिखाता हूँ आपको, स्टार गोल्ड, सोनी सब, स्टार स्पोर्ट्स 1, NTV, ये सारे के सारे पर और सर्वर पर चल रहे हैं। तो चलो दोस्त अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।